नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सीकेआर किचन में। और फिर हाजिर हूँ मैं एक नई रेसिपी के साथ। तो आज हम बनाने वाले हैं मसाला टिंडे। तो आइए हम पहले मसाला टिंडे बनाने की जो सामग्री है वो पहले हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मसाला टिंडे बनाने के लिए ये छोटे छोटे साइज के मैंने यहाँ पे टिंडे ले लिए हैं और इनको मैंने साफ अच्छे तरीके से धो लिया है। धोने के बाद इनको सुखाने के पोंछ के अच्छे तरीके से, और उसके ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको हमने हल्का सा काट लिया है और उसको हमने इस तरीके से चार कट्स लगा लिए हैं ऊपर इस तरीके से। और अगर किसी टिंडे में अगर पके हुए बीज होते हैं जो कि खाने पर मुंह में अच्छे से नहीं लगते, वो थोड़े अजीब से लगते हैं, तो वो हमने अंदर से निकाल लिया है। चाकू की जो नोक होती है उसकी सहायता से हमने पके हुए जिसमें है बीज तो वो हमने बाहर निकाल दिया है, और जो कच्चे हैं उनके ऊपर हमने इस तरीके से ये दोनों तरफ से एक एक कट लगा लिया है। तो हमने बहुत ही छोटे साइज के टिंडे लिए हैं, ये बिल्कुल कच्चे होते हैं तो ये बनने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और इसको कुक होने में भी बहुत कम टाइम लगता है, और दिखने में भी ये कितने से क्यूट लग रहे हैं, ये तो बनी हुई सब्जी भी बहुत ही सुंदर दिखेगी। तो यह हमने ये टिंडे बिल्कुल तैयार कर लिए हैं अच्छे तरीके से। और यहाँ मैंने कुछ ड्राई मसाले लिए जो कि रेगुलर मसाले हैं, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और टेस्ट के हिसाब से हमने नमक लिया है। धनिया पाउडर का इसमें हम थोड़ा सा ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो 3 चम्मच मैंने धनिया लिया है धनिया पाउडर, और यहाँ मैंने 2 चम्मच लिया है लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच लिया है हल्दी पाउडर। और यहाँ हमने तड़के के लिए लिया है 1/2 चम्मच के करीब हींग पाउडर, 1 चम्मच जीरा, 1 तेज पत्ता लिया है, 6 से 7 हमने करी लीव्स ले लिया है, और 10-12 हमने लहसुन की कलियों को मोटा मोटा सा कूट के ले लिया है। चाहे तो हम लहसुन के साथ अदरक लहसुन का पेस्ट डाल सकते हैं कूटे हुए लहसुन की जगह, अदरक का भी इसमें काफी अच्छा टेस्ट आता है, तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी इस लहसुन की जगह लिया जा सकता है। मैंने यह 10-12 कलियां जो है लहसुन की मोटी मोटी कूट के लिए है। 2 मैंने बड़े साइज का प्याज लिया है जिसको मैंने कद्दूकस करके ले लिया है। चाहे तो प्याज को प्यूरी बना के भी लिया जा सकता है, लेकिन कद्दूकस किया हुआ ज्यादा सही रहता है सब्जी में, सब्जी को गाढ़ापन देता है, टेस्ट भी अच्छा आता है। और यहाँ मैंने 2 हरी मिर्च को बीज निकाल के बारीक बारीक चॉप कर दी है। 2 बड़े साइज के मैंने टमाटर लिए हैं, टमाटर को मैंने कद्दूकस कर लिया है, चाहे तो इसकी प्यूरी बना के ले सकते हैं। और टमाटर मैंने यहाँ पे देसी टमाटर लिए हैं जो कि हल्के से खट्टे होते हैं तो सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जो लाल टमाटर होते हैं सलाद वाले टमाटर होते हैं वो हल्के मीठे होते हैं तो उसमें टेस्ट सब्जी का इतना अच्छा नहीं आ पाता है जितना कि देसी टमाटर से आता है। और यहाँ मैंने कसूरी मेथी ले ली है थोड़ी, 1 चम्मच के करीब, और ये ले लिया मैंने 1/4 चम्मच के करीब गरम मसाला जो कि हम सब्जी के ऊपर से गरम मसाले को हम डालेंगे तो काफी अच्छा स्वाद और खुशबू आएगी सब्जी में। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पे कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच हमने मस्टर्ड ऑयल ले लिया है और ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। तो आप चाहे तो कोई भी अपना जो रेगुलर ऑयल यूज करते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन ये मस्टर्ड ऑयल मैं यूज कर रही हूँ, इससे जो मसालेदार सब्जियां हैं वो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो यह ऑयल हमारा जो है बिल्कुल गर्म हो चुका है, तो इसमें हम जीरे का तड़का लगा देंगे। और जीरे के भुनने के बाद हम तो जीरा यहाँ हमारा बिल्कुल अच्छे से भुन चुका है तो हम ये तेज पत्ता भी इसमें ऐड कर देंगे। तेज पत्ते को भी हम हल्का सा इसमें फ्राई करेंगे और अब हम इसमें ये हींग ऐड कर देंगे। और हींग के बाद हम ये करी लीव्स ऐड कर देंगे और अब हम ये कुटा हुआ लहसुन ये भी इसमें ऐड कर देते हैं। गैस हम बिल्कुल स्लो कर देंगे ताकि कोई भी जो हमारा मसाला है वो जले नहीं। और अब हम ये कद्दूकस किया हुआ जो ऑनियन है वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और इसको धीमे धीमे आंच पर हम लाइट ब्राउन का जो लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इसको अच्छा सा ऑयल में भून लेंगे ताकि जो प्याज का है कच्चापन बिल्कुल निकल जाए।
लहसुन प्याज वगैरह जो हम यूज करते हैं तो उन्हें हमें बिल्कुल धीमे धीमे आंच पर अच्छी तरीके से पकने तक इसको फ्राई करना चाहिए ताकि सब्जियों में कच्ची महक ना आए। अगर ये हल्के से थोड़े कच्चे रह जाते हैं तो सब्जियों का स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है। सब्जियों का जो स्वाद है वो हमारे मसालों पर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से मसालों को हम भूनते हैं। तो ये हम प्याज को और लहसुन को अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो ये हमारे जो मसाले हैं लगभग फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम ये जो कटी हुई हरी मिर्च है वो भी ऐड कर देंगे इसमें और इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे इसके साथ। और अब हम डाल देंगे इसमें हमारी जो हम रेगुलर यूज करने वाले हमारे जो ड्राई मसाले हैं वो ऐड कर देंगे हम इसमें और इनको अच्छी तरीके से मसाले में मिक्स कर लेंगे। इन ड्राई मसालों को बहुत देर तक हम इसमें नहीं पकाएंगे क्योंकि जो लाल मिर्च वगैरह बहुत जल्दी ही जलने लगती है। बस एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मसाले हमारे इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे ये टमाटो प्यूरी, जो टमाटर हमने दो कद्दूकस करके रखे थे वो इसमें हम ऐड कर देंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और गैस हमको मीडियम ही रखना है। हमने टमाटर प्यूरी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको मीडियम गैस पर अच्छी तरीके से मसाले को हम भुनने देंगे, पकने देंगे इसको। और तब तक हम इसको धीमे धीमे आंच पर हमको भुनना है तब तक कि मसाले से ऑयल हमारा अलग ना हो जाए। तो इसको हम ढक देते हैं। ढककर हम इसको अच्छी तरीके से भुनने तक हम इसको धीमे धीमे आंच पर पकाएंगे। अब हम मसाले को एक बार चेक कर लेते हैं। तो इस टिंडे को हम मसाले के साथ अच्छी तरीके से भून लेंगे। टिंडों पर सारा जो मसाला अच्छे तरीके से कोट हो गया है। अब हम इसमें चौथाई बाउल के करीब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे एक बार। और इस स्टेज में हम अगर सॉल्ट चाहे तो टेस्ट कर सकते हैं, अगर हमें थोड़ा कम लगे तो हम इसमें ऐड करके और इसको इसका लेवल हम बराबर कर सकते हैं। तो अब हम गैस को बिल्कुल स्लो करके और इसको ढक कर हम कुक करेंगे तब तक कि हमारे ये टिंडे बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। तब तक हमको इसको बीच बीच में चेक करते रहेंगे हम और इसको हमको कुक करना है ढक्कन लगा के। तो हमारी सब्जी को पकते हुए 3-4 मिनट हो गए हैं तो एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। सब्जी को थोड़ा ऊपर नीचे हिला लेते हैं। सब्जी को हम बीच बीच में थोड़ा थोड़ा चेक करते रहेंगे ताकि सब्जी हमारी बिल्कुल प्रॉपर कुक हो।
और फिर से हम इसको ढक के पकने देंगे। तो हम एक बार सब्जी को फिर चेक कर लेते हैं। तो हमने यहाँ 2 से 3 बार सब्जी को चेक करते हुए हिलाते हुए पका लिया है और अब ये काफी हद तक पक चुकी है। अब इसमें हम ये कसूरी मेथी को हल्का सा क्रश करके इसमें ऐड कर देंगे ऊपर से, और ये जो हमने गरम मसाला लिया था 1/4 चम्मच वो भी हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। टिंडे हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसको अच्छी तरीके से एक बार मिक्स करके और 1-2 मिनट के लिए इसको थोड़ा सा हम और पका लेंगे। तो सब्जी हमारी लगभग तैयार है। 1-2 मिनट के लिए हम इसको थोड़ा सा और इसको पका लेते हैं। तो 1 से 2 मिनट हो चुके हैं सब्जी को, तो गैस को हम बिल्कुल ऑफ कर देंगे और ये हमारी सब्जी बिल्कुल बन के रेडी हो गई है। तो ये हमारी मसाला टिंडे की सब्जी बनके खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी और अच्छी सब्जी बनके हमारी तैयार हुई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, रेसिपी मेरी अच्छी लगी है, तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें और रेसिपी को आप ट्राई करें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी है, आपने जो रेसिपी ट्राई की है तो आपकी रेसिपी कैसी बनी है। और इसी तरीके मैं नए नए वीडियोज लेके आती रहूंगी, तो मेरे सारे वीडियोज को देखने के लिए आप यूट्यूब पर मेरे चैनल सीकेआर किचन को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक करें ताकि मेरे नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे ये वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ।